नमस्कार दोस्तों, एन की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको आपको कंप्लीट मैथ का रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन आपको 1 से लेकर 14 तक चैप्टर का इसी चैनल पर आपको करवा दिया। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। अब आपको 15वां चैप्टर जो बच रहा था उसका आज एक ही वीडियो में पर्दाफाश कर देते हैं। 15वां चैप्टर है, चला रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन आपको समझने के लिए आप वीडियो में बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हो तो। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको प्रायिकता संबंधित क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती क्या है? सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र देखिएगा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, इवन टेपन अपॉन टोटल हैपन। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। प्रो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी घटना की प्रायिकता है जो है वो 0 से 1 के बीच होती है। देखो विद्यार्थियों, किसी की भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 से कम नहीं हो सकती, अर्थात नेगेटिव नंबर में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी वह 1 से बड़ी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता है विद्यार्थियों वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जरूरी 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव नंबर में किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। नंबर दूसरी बात, एक बड़ी संख्या, 1 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती, अर्थात 4/3 अगर मैं बोलूं किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं हो सकती है। 4/3 किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। देखिएगा इधर, अगर आप 10/5 किसी घटना की प्रोबेबिलिटी लेते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकती है। अगर मैं कहूँ किसी घटना की प्रायिकता 5/10 है तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। समझ गए, किसी भी घटना की प्रायिकता 5/10 हो सकती है। मतलब ये है कि न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पर आते हैं अपन। किसी भी घटना की प्रायिकता हमें ज्ञात करने के लिए हमें उसके लिए अनुकूल परिणामों की आवश्यकता होती है और हमें उसके लिए कुल परिणामों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मान लो, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, एक डाइस को उछालते हैं, वन सिंगल डाइस, एक सिक्के को उछालते हैं, एक कॉइन को या डाइस को उछालते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको किस प्रकार से आप करोगे। हम और सारे इसी वीडियो में कंप्लीट आपका चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, एक डाइस को उछालते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है नंबर। अब सवाल कहेगा, एक प्राइम नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्राइम नंबर आने की प्रायिकता अगर पूछता है आपसे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछता है तो अभाज्य संख्या कितना कितना है आपके पास, ये अभाज्य संख्या है, ये आपके पास अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5, ये अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य नंबर आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/6, 1/2 आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ गए ना? अगर आप पूछते हो कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो भाज्य संख्या केवल और केवल 4 है और 6 है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3 आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद इसके आगे क्या करते हो, अगर एक कॉइन है आपके पास, क्या है, कॉइन है, एक कॉइन को उछालते हो आप एक बारी में, तो आपका जो है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी, आप आंसर मार्क कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके अलावा इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करवाने की, कह दे आपको कि किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि एक थैला है उसमें 5 बॉल है काली, ठीक है, 3 सफेद बॉल है, 1 बॉल रेंडमली निकाला गया है, तो सफेद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, सफेद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8, ये आपका आंसर मार्क कर दोगे। अब अपन क्वेश्चनों को लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हल करा दिए जाएंगे।
और कुछ आपको घर से करके लाना है, जो समझ नहीं आए हैं पूछ लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, ध्यान से सुनना, किसी घटना की प्रायिकता तथा घटना नहीं की प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है? एक होता है। किसी घटना नहीं की प्रायिकता और किसी घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है? हमेशा एक होता है। नंबर दो, किसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती जीरो होती है, ऐसी घटना क्या कहते हैं? असंभव घटना। ऐसी घटना क्या कहते हैं? असंभव घटना। जो घटित ही नहीं हो सकती उसको क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। नंबर तीन, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव एक होता है। ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। दूसरा क्वेश्चन संप्राय, ये संप्राय पूछ रहा है, ये आपको कर लेना है। तीसरा सवाल, फुटबॉल का खेल शुरू करने से पहले कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसका निर्णय किया जाता है, यह न्याय संगत क्यों है? क्योंकि देखो बच्चों, फुटबॉल का खेल शुरू होता है, कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए हेड या टेल आएगा। तो हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि नहीं है? मतलब दोनों के लिए बराबर बराबर चांस है, दोनों के लिए जो है संभावना बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो है न्याय संगत घटना मानी जाएगी। नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? ये ए ऑप्शन ये रहा, बी ऑप्शन -1.2 और सी ऑप्शन 15% और डी ऑप्शन है वो 0.7। इसमें बताओ आप कि किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है? आप देख के बताओ आराम से। माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, ये 15% भी तो हो सकती है। 15% का मतलब 15/100, 0.15 आ गया, तो ये तो एक से कम है, तो किसी की प्रायिकता हो सकती है, ये भी किसी की प्रायिकता हो सकती है। तो किसी की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है? माइनस में नहीं हो सकती है। नंबर नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता अगर 0.05 है तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या पूछा है? नहीं की प्रायिकता पूछा है। नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक में से घटाएंगे, एक माइनस 0.05, एक में 0.05 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95, जो कि अपना आंसर मार्क कर देंगे। समझ गए? किसी घटना की प्रायिकता दे रखी है, कितनी घटना ही नहीं प्रायिकता पूछता है, तो आप क्या करोगे? 1-0.05 कर दोगे। हमेशा 1 में से घटाओगे, चाहे बटे सही में ही क्यों नहीं दिया हो। किसी घटना की प्रायिकता 1/3 है, तो घटना नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3, 3 × 3 एंड 1 2/3 आपका आंसर मार्क कर दोगे। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, केवल नींबू की महक की गोलियां हैं भाई। मलिनी बिना थैले में जाके एक गोली निकालती है, वह गोली संतरे की महक वाली होगी। कैसे हो सकती है भाई संतरे की महक वाली? उसमें सारी की सारी तो नींबू की महक वाली है, उसमें संतरे की महक वाली हो सकती है क्या? तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? असंभव की प्रायिकता क्या होती है बताओ? असंभव की प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो ऐसी घटना की प्रायिकता पहले का आंसर क्या आ जाएगा? 0। नींबू की महक वाली होगी, पक्का गारंटी से नींबू की महक वाली ही होगी। तो नींबू की महक वाली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है बताओ? एक होती है। तो इसकी प्रायिकता एक आंसर मार्क कर दोगी। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, जो कि आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि तीन विद्यार्थी है, उनमें से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही साथ होने की प्रायिकता 0.992 है, तो एक साथ नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 1.000 में से घटाएंगे तो 0800.0, ये आपका आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैला है, इसमें तीन लाल गेंद है, तीन लाल गेंद कितनी है? तीन है ना। उसके बाद में बच्चों, तीन लाल गेंद है और पांच काली गेंद है। बिना थैले में झांके हुए एक बॉल निकाली जाती है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल आने की प्रायिकता नंबर एक, नंबर दो, लाल नहीं आने की प्रायिकता, लाल नहीं आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी, लाल नहीं आने की प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। दोनों ही आपके आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हो? लाल आने की प्रायिकता 3/8, लाल नहीं आने की प्रायिकता 5/8, दोनों आंसर आपके आंसर मार्क कर दोगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक थैला इसमें पांच लाल कंचे बच्चों, आठ सफेद कंचे, चार हरे कंचे। एक थैले में से निकाला जाता है एक कंचा, लाल कंचा आने की प्रायिकता बताओ, सफेद कंचा आने की प्रायिकता बताओ, हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो लाल कंचे की प्रायिकता बतानी है आपको, लाल कंचे की प्रायिकता आप बताओगे कितनी है, लाल कंचे पांच है, टोटल कंचे कितने, 12 × 5 = 17, 5/17। उसके बाद सफेद कंचे की प्रायिकता पूछा है, सफेद कितने कंचे हैं, 8 है, टोटल कितना है, 17 है। उससे अगला पूछा है हरा नहीं की प्रायिकता याद करो, तो भाई हरा को हटा दो बाकी को लगा लो, हरा नहीं है की प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो हरे को हटा दोगे बाकी को लगा लोगे। तो ये कितने हो गए, 8, और ये कितने, 5, 8 × 5 = 13, 13/17 आपका आंसर मार्क हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक थैला है उसमें पांच कंचे तो भाई कैसे है, लाल है, और आठ कंचे सफेद है, चार कंचे हरे हैं, एक कंचा निकाला जाता है, तो उसमें से निम्नलिखित की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है। किसकी प्रायिकता, नंबर एक लाल की प्रायिकता ज्ञात करो, नंबर दो हरे सफेद की प्रायिकता ज्ञात करो, और नंबर तीन हरे की प्रायिकता ज्ञात करो। तो नंबर एक क्या है, लाल की प्रायिकता, तो लाल कंचों की संख्या कितनी, 5, और टोटल कंचे कितने हैं, 17, तो 5/17 आंसर आ गया। इसके बाद में सफेद कंचे कितने हैं आपके पास, 8, और टोटल कंचे 17 है, तो 8/17 हो जाएगा। उसके बाद हरे कंचे कितने, 4, और जो है हरे कंचे नहीं की प्रायिकता पूछा है। अब देखो हरे कंचे नहीं की प्रायिकता पूछा है तो ये 4 नहीं आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 5 = 13, 13/17 आपका आंसर आ जाएगा। ये मत करना कि 4/17 कर दोगे, गलत हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता हरे कंचे की प्रायिकता याद करो, तब तो 4/17 ही आंसर होता, लेकिन आपसे पूछता है हरे कंचे नहीं की प्रायिकता याद करो, तो 13/17 आप आंसर मार्क करोगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है सवाल कि एक आपके पास पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक जानते विद्यार्थियों, पिग्गी बैंक क्या होता है, गुल्लक होता है, गुल्लक बोलते हैं जिसको अपन, जिसमें पैसे छोटे खुले डालते हैं अपन जोड़ने के लिए, वो है एक पिग्गी बैंक है, जिसमें से भैया 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 है, 1 रुपए कितने सिक्के हैं आपके पास, 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के सिक्के कितने अपने पास, 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के सिक्के कितने, 10 सिक्के हैं, ऐसा कह रहा है सवाल। अब टोटल सिक्के की संख्या कितनी होगी, टोटल या कुल सिक्के बताओ, कुल सिक्के कितने हो गए अपने पास, कुल सिक्के हो गए, इनको जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, 180 सिक्के हो गए ना। अब सवाल पर आ जाओ, सवाल कह रहा है 50 पैसे के सिक्के होंगे कि प्रायिकता याद करो, 50 पैसे के सिक्के होंगे की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चा, बच्चों बताओ, 100 सिक्के हैं, तो 100/180, 0 0 कट गया, 5 इसका आधा इसका आधा, 9, 5/9 आंसर मार्क कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता याद करो, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता बताओ। तो बच्चों 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, बाकी को जोड़ लो, 170 हो गया, 170/180 यानी कि 0 0 कट गया, 17/18 आपका आंसर आ गया। वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो दोस्तों आप आगे को क्वेश्चन पढ़ाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी जल जीवन कुंड में से मछलियां निकालती है, कुछ मछलियां निकालती है, मछलियों की संख्या है वो आपको दे रखी है, कुछ मछलियां नर हैं और कुछ मादा है, ठीक है। तो नर निकालने की प्रायिकता और मादा निकालने की प्रायिकता आपसे पूछी है। देखो मछलियां निकालती है जिसमें से 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है, ठीक है। कह रहा है सवाल कि नर मछली आने की प्रायिकता बताओ, बताओ भैया कुल मछली कितनी हो जाएगी, कुल मछली बताओ कितनी हो जाएगी आपके पास, 13। नर की प्रायिकता बताओ, नर मछली प्राप्त होने की प्रायिकता बता दो, नर मछली प्राप्त होने की प्रायिकता, नर मछली अपने पास कितना है बच्चों, 5 है,
पांच बटे में तेरह आपका आंसर आ जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम होता ही, आप जानते हैं इस बात को। तुम नंबर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। संयोग चांस के एक गेम में घुमाने की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें एक से लेकर के आठ तक की संख्या लिख रखी, जैसा कि आपको चित्र दिखा रखा है। ये जो सुई है ये कहां पर जाके रुकेगी, इसकी प्रायिकता पूछा। नंबर एक आठ को करेगी, नंबर एक कह रहा है आठ पर जाकर रुकेगी, तो आठ कितनी बार है भाई इसमें आपको दिखाई दे रहा है, आठ के एक बार एक ही बार है, तो एक बटे में आठ आपका आंसर हो जाएगा। और नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा ये है विषम संख्या को प्राप्त करेगी, तो बच्चों विषम संख्या कितनी है, एक तीन पांच सात, विषम संख्या कितनी है, एक तीन पांच और सात, ये विषम संख्या आपकी एक तीन पांच और सात, इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी विद्यार्थियों। हाँ दोस्तों अपन 13वां सवाल पर आते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है विद्यार्थियों, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। हाँ आठ को करेगा, आठ को करेगा कि प्रायिकता कितनी होगी, आपके पास आठ कितना है, आठ आपके पास एक है और कुल परिणाम कितने हैं आठ है, तो एक बटे आठ इसका आंसर आ जाएगा। इसी का दूसरा पॉइंट है, इसी का दूसरा पॉइंट विद्यार्थी विषम संख्या करेगा, एक विषम संख्या एक तीन पांच सात, ये विषम संख्या एक दो तीन चार, चार बटे में आठ, एक बटे में दो आपका आंसर मार्क हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो से बड़ी संख्या करेगा, दो से बड़ी संख्या लेकिन आठ से बड़ी नहीं, तो एक दो के बाद तीन चार पांच छह और सात और आठ, एक दो तीन चार पांच छह, छह बटे में आठ, ये आपका आंसर आ जाएगा, तीन बटे में चार आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है नौ से छोटी संख्या करेगा, नौ से छोटी तो भाई सारी है, तो आठ बटे में आठ इसका मतलब एक आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासा है एक उसको एक बार फेंका गया, एक पासे को एक बार फेंकते तो आपको पता ही कुल परिणाम छियाते हैं, सर क्वेश्चन में करवा दिया, वीडियो शुरू किया तभी मैंने करवा दिया इस क्वेश्चन को। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं आपके सामने, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो ध्यान से, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्ती में से, अच्छा पत्तियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताश के बारे में, कुल ताश कितने होते हैं, कार्ड कितने होते हैं, कुल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें बेगम कितनी होती है, क्वीन चार होती है, बादशाह किंग कितने होते हैं, बादशाह चार होते हैं, गुलाम जोकर कितने होते हैं, ये भी चार होते हैं, यानी कि इन पर तस्वीर होती है। अब इन पर तस्वीर है तो इनको क्या बोलेंगे, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो गए 12, इसमें से दो काली बेगम होती है दो लाल होती है, दो काले बादशाह दो लाल होते हैं और दो लाल गुलाम और दो काले होते हैं, तो केवल लाल फेस कार्ड की बात करें, लाल फेस कार्ड कितने होते हैं 6, काले फेस कार्ड कितने होते हैं, काले फेस कार्ड भी कितने होंगे 6 ही होंगे, ठीक है। बाकी चिड़ी है, चिड़ी आपकी कितनी होती है 13, हुक्म आपके कितने होते हैं, क्लब बोलते हैं चिड़ी को, हुक्म कितने होते हैं 13, ईंट कितनी होती है भी 13, पान भी 13 होते हैं, ये लाल होते हैं तो लाल पत्ते कुल 26 होंगे, काले पत्ते भी कितने होंगे 26 होंगे, ध्यान रखना इस बात को। और पर्सनल चीज अगर पूछ ले आपसे, हुक्म का इक्का तो एक होगा, कुल एक के चार होते हैं, लेकिन हुक्म का इक्का पूछ ले तो एक होगा, पान का गुलाम पूछ ले तो एक होगा, मतलब अगर पर्सनल पूछ लेता है तो वो एक एक ही होते हैं, एक ताश की पत्ती में एक एक ही कार्ड होते हैं, सारे के सारे सेम कार्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्वेश्चनों पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो चल रहा था अपना उस पर देखते हैं, क्वेश्चन अपना ये है कि 52 पत्तों में से लाल अंक का बादशाह की प्रायिकता बताओ, लाल बादशाह अभी बताया था, लाल बादशाह, बादशाह तो चार होते हैं लेकिन लाल तो दो ही होंगे ना, तो लाल बादशाह कितने होंगे आपके दो, और प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/52, 2/52 का मतलब 1/26, 1/26 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं कुल बताओ मुझे, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, 12/52 आपका आंसर आ जाएगा, 4 × 3 = 12, 13 × 4 = 52, 3/13 आपका आंसर मार्क कर दोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक लाल रंग की तस्वीर होने की प्रायिकता ज्ञात करो, 6/52 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में पान का गुलाम, पान के गुलाम कितने होते हैं विद्यार्थी, एक ही होता है पान का गुलाम, 1/52, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन, लाल रंग का तस्वीर होगा, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता 13 होता है,
13/52, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52, 1/4 आपका आंसर मार्क कर दोगे। ईंट की बेगम पर्सनल है, ईंट की बेगम तो एक ही होगी, 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, तास का ही है ये भी क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा जरा। 5 पत्ते हैं बच्चों, की बात तास की, आपके पास 5 ही पत्ते हैं, एक तो दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है ईंट की, एक बादशाह है और एक इक्का है। इन 5 को उल्टा करके रखा है, सीक्वेंस में भी नहीं रखा है, ऐसे उल्टा पुल्टा कहीं भी रखा हुआ है। कह रहा है इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, इसको ध्यान से समझ लीजिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आ ही आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही आता है एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ताश के सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारी ताशों में से एक ताश निकालते हैं, नहीं। इन 5 कार्डों में से एक कार्ड निकाला जाता है, उसमें एक बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छा, एक बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, एक बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, कति इंपोर्टेंट है, समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन नंबर ये आपका इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिएगा सवाल क्या पूछा है, एक बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात करो, बेगम कितनी है बच्चों, 1 है, और टोटल परिणाम आपको 52 नहीं लिखना है, 52 लिखते गलत हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 1/5 आपकी प्रायिकता होगी। अब सवाल में ज्यादा इंपोर्टेंट यहां बनता है, पहला पॉइंट था ये, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल कह रहा है कि बेगम को हटा लिया गया है, बेगम को दोबारा से नहीं मिलाया जा रहा है, दोबारा से उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो अब ये बता रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता याद करो, एक इक्का आने की प्रायिकता 1/5 नहीं होगा, 1/4 होएगा। नंबर 2, एक बेगम आने की प्रायिकता याद करो, भाई बेगम कहां से आएगी, बेगम तो पहले ही निकाल कर अलग कर दिया आपने, तो 0/4 यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। और ये क्वेश्चन प्रश्न आपकी सिलेबस में है और आपको देखने को मिलेगा वार्षिक परीक्षा में, ये कई क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना, राजस्थान बोर्ड में डिजिट चेंज नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, सुनिएगा जरा ध्यान से, 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन में मिल गए गलती से। अब आपको प्रायिकता पूछा जा रहा है, उनमें से एक पेन रेंडमली निकाला जाता है कि वो पेन अच्छा नहीं होगा कि प्रायिकता ज्ञात करो, अच्छा होगा कि प्रायिकता ज्ञात करो, ये पूछा है। 12 कैसे पेन है, खराब पेन है, 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, अच्छे पेन है, कुल पेन बताओ बच्चों, कुल पेन कितने हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे 144 कुल पेन हो जाएंगे। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि उनमें से एक पेन निकाला जाता है कि पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो, अच्छा होगा कि प्रायिकता आपको ज्ञात करनी, अनुकूल परिणाम 132 बटे कुल परिणाम 144, इसको काट दीजिए, 11/12 आपका आंसर कर दोगे, समझ में आएगा कि नहीं आया। अगर सवाल पूछ लेता कि खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो, खराब होने की प्रायिकता पूछ लेता तो 12/132 आपका आंसर हो जाता, समझ गए, 12/132, 12 × 12, 12 × 12 और 12 × 12, 1/11 आपका आंसर आ जाता, समझ गए ना, इस प्रकार से आप हल कर देते। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, क्यों, कंफ्यूजन है यहां पर, देखिए कंफ्यूजन क्या है। सवाल कह रहा है 20 बल्ब है, 20 कुल बल्ब है, बल्ब जिसमें से खराब बल्ब कितने हैं, 4 है, तो अच्छे कितने बचे, अच्छे बच गए 16। अब देखो क्या कह रहा है सवाल, इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है कि उसकी क्या प्रायिकता होगी, वो खराब होगा, सीधा सीधा कर दोगे साहब 4/20 हो जाएगी, यहां तक तो ठीक है, 1/5। अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसको दोबारा से मिलाया गया है, आप बताओ अगर निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो फिर कैसा होगा, अच्छा ही होगा, अच्छे को निकाल लिया और उसको दोबारा से नहीं मिलाया तो अब अच्छे बल्ब कितने बच गए, 15 बच गए कि नहीं बच गए, दोबारा से नहीं मिलाया, लगा दिया कहीं पर, लेकिन खराब बल्ब तो अभी भी कितने हैं, खराब बल्ब कितने अभी भी 4 है,
अब दोबारा से क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक बल्ब निकाला गया है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जो खराब नहीं हो। खराब नहीं हो मतलब अच्छा हो, कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/5 बताओ, 5/20 करूं या 19 करूं, 5/19 आएगा, 5/20 नहीं आएगा, क्योंकि देखो कुल परिणाम अब कितने बच चुके हैं अपने पास, 19, जो एक बल्ब निकाला था उसको निकाल लिया और लगाया नहीं, दोबारा से नहीं मिलाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 15/19। अति इंपोर्टेंट है, सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों ए बी सी डी ई और ए, ये लिखा गया है। अब कह रहा है एक डाइस है, इसको फेंका गया है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ए प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ए कितना है बच्चों, एक और एक दो ए है, तो 2/2 कुल परिणाम 6 है, तो 1/3 आपका आंसर मार्क कर दो आराम से। इसी का दूसरा पार्ट बच्चों कह रहा है कि डी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो डी कितना है, एक बार है, 1/6 आपका आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे बच्चों। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है नहीं, आएगा नहीं 20वां क्वेश्चन, जो स्टार लगा रखा हुआ है और स्टार के नीचे देखो यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। वैसे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, ठीक है, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। वैसे ये स्टार लगा रखा है और साफ साफ मेंशन है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है देखिएगा जरा, 21वां सवाल क्या कह रहा है कि 144 बॉल पेन है, 144 बॉल पेन में 20 पेन खराब है, 144 पेन है जिसमें से 20 खराब है बच्चों, तो अच्छे कितने बचे, अच्छे बच जाएंगे, 144 में से 20 घटाओगे तो 124 पेन अच्छे बच जाएंगे। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छे हैं, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आप वह पेन खरीदेंगे की प्रायिकता बताओ, आप वह पेन खरीदेंगे बताओ कितनी हो जाएगी, 124/144। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 20/144 आपका आंसर आ जाएगा, काटना चाहो तो काट सकते हो। इसके बाद में टू डाइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, और भाई साहब ये मैं जिम्मेवारी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के, कि ये दो डाइस वाला क्वेश्चन 100% आता है और 3 नंबर में आता है बच्चों, 100% आएगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, पर कैसे आता है वो ध्यान से सुनना आपका जिम्मेवारी बनता है। तो दूसरा जो है दो डाइस का जो क्वेश्चन है, अब आप समझ लीजिएगा कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दो पास से आ जाएं, अगर दो पास से आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, कि दो पास से आ जाते हैं तो आप सबसे पहले जाते ही दोनों के डाइस पे लिखोगे कुल परिणाम कितने होंगे भाई, 136। कुल परिणाम क्या लिखोगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, इस प्रकार से। देखो मैं केवल इसी में करा देता हूं, क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.5, 2.6, फिर 3, पहला एक 3 आ सकता है भाई, दो पास है आपके पास साफ सीढ़ी वाले, एक को फेंका 3 आ गया, दूसरे को फेंका मान लो 1 आ गया, हो सकता है एक को 3 आया, एक का 2 आया, ऐसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है आपका, 1, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7 आ सकता है क्या, 3, 7 बताओ मुझे, आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो 7 तो पास में नहीं होता, इसलिए मैं 6 तक लिख रहा हूँ, कभी सोच रहे हो 6 तक क्यों लिख रहे हो तुम, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, इसके बाद में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, इसके बाद में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, इसके बाद में 7.1 आ सकता है क्या, 7.1 नहीं आ सकता है ना, 7 तो होता ही नहीं है, तो अपने पास ये परिणाम हो गए कुल 36 मिलाकर के, कुल मिलाकर के परिणाम कितने हो गए बच्चों, 36। सबसे पहली बार एक पासे को एक बार फेंकते हैं कुल परिणाम कितने आते हैं, 6 बच्चों, एक पासे को दो बार फेंकते हैं कुल परिणाम कितने आते हैं, 36 आते हैं, ध्यान रखना 12 नहीं आएंगे, 36 आएंगे।
अब 36 कौन कौन से, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि दो पासे को एक साथ फेंका गया है तो उनके अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, अंकों का योग 10, ये 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, और कहीं 10 नहीं हो रहा है ना। तो अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, 3/36, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/12 आपका आंसर मार्क कर दोगे। क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों अंकों का योग 9 कहाँ कहाँ हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, और एक बार ये 9 हो रहा है, तो 4/36 क्या आंसर मार्क कर दोगे, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता बताओ बच्चों। क्वेश्चन क्या है, दो पासे को एक साथ फेंका गया है, अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता, 13 तो हो ही नहीं सकता अंकों का योग, तो 0/36 0 आंसर आ जाएगा। अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करो, 6 और 6 = 12, बस एक ही बार हो सकता है, 1/36 एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा कि प्रायिकता ज्ञात करो, तो 5 वाले सीरीज को हटा दीजिए, इधर से भी, बाकी को काउंट कर लीजिए, बाकी आप काउंट करोगे तो 25 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 25/36 आपका आंसर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ रहा है इसी में, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उनके दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उनके अंकों का योग 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। उनके अंकों का योग 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बच्चों 1 और 1 = 2, 2 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 1 और 2 = 3 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 और 1 = 4, ये 4 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है बताओ, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको काउंट कर लीजिए, ये 9 वाले कॉलम को, ठीक है। इसके बाद में 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 16 तो है नहीं इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/36 आपका आंसर हो जाएगा, आप आंसर मार्क कर सकते हो, समझ रहे हो। इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों बार सेम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, सेम संख्या सेम नंबर एक जैसी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ये एक जैसी है, ये एक जैसी है, ये एक जैसी है, ये भी तो एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, और ये भी एक जैसी है, तो 6/36 आंसर क्या आ जाएगा, 6/36, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चों इस प्रकार से आपका कंप्लीट, ये समझ लो एक ही वीडियो में प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट क्वेश्चंस हैं सोल्व करा दिए गए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ, और नए सीरीज में आपकी होगी डैश वर्क, क्योंकि मैंने आपका कंप्लीट पार्ट पढ़ा दिया, रिविजन भी करा दिया, प्लेलिस्ट में आप जाकर के एक बार जरूर देखें, और प्लेट में देखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ है इसमें, कुछ ना कुछ है। और आपको इसी चैनल पर अब कल से आपकी क्लासेस चलेगी, ये समझ लो उसमें आपकी क्लासों में जो भी आपका डैशवर्क से संबंधित क्वेश्चंस हैं, डैशवर्क के सारे क्वेश्चंस एक मॉडल पेपर को एक वीडियो में कराऊंगा, तो 10 मॉडल पेपर होते हैं डैशवर्क में, 10 दिन में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करते रहें, अपना खुद का ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।